मेरा नाम है साजिद और मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर और हम सीख रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग कोर्स। अभी तक जो हमने काम किया था वो ये कि हमने एक स्लाइडर लगा लिया था, खूबसूरत था अपनी वेबसाइट पर। अब हम बैनर की तरफ आ रहे हैं, बैनर को कैसे जो है लगाना है। बैनर की जगह पे हम एक पिक्चर सेट लगा देते हैं, तो आइए देखते हैं वो कैसे लगाएंगे। तो ये इंडेक्स वाली फाइल खोली है मैंने, इंडेक्स नोटपैड में खुल गई, और जहाँ पे बैनर लिखा हो आपने वहाँ पे आना है। ये लिखा हुआ बैनर, हमें तस्वीर लगानी है तो उसके लिए टैग होता है इमेज का, कैप्स लॉक इमेज एस और सी एस सोर्स। हमारे पास एक जो है इमेजेस नाम का होल्डर है जहाँ पे हमारी वेबसाइट पड़ी है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ रखी है हमारी वेबसाइट। माई यहाँ पे ये इमेजेस नाम का फोल्डर आया था जब हमने स्लाइडर बनाया था, तो उसी के अंदर मैंने ये तस्वीर जो है रख दी है और उसका नाम है बैनर। तो मैं सिर्फ इसका नाम लिखूँगा इमेजेस नाम का फोल्डर, ठीक है। उसके अंदर फाइल है बैनर और उसकी एक्सटेंशन आपने लाजमी देनी है JPG, ठीक है, और आपने सेव कर देना है और देखते हैं वहाँ पे क्या हुआ है। अपनी साइट देखते हैं क्या हुआ है, तस्वीर आ गई है लेकिन पूरी पूरी फिट नहीं आई, शायद। और इसका पहले तो इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा लग रही थी मुझे, इसको कर देते हैं 200 सेव। अच्छा जी, ये वर्थ हो गई, सेव भी हो गया, चेक करते हैं क्या हुआ है। वर्थ पे हो गई है, वर्थ पूरी पूरी फिट आ गई है, लेकिन एक्स्ट्रा जो है थोड़ा सा बाहर निकल रहा, थोड़ी सी वर्थ हमें कम करनी पड़ेगी। तो इसको हम कर देते हैं 980 सेव, देखते हैं शायद पूरा पूरा जो है फिट आ जाए। देखे ना ये बाहर अभी तकरीबन अपना मामला जो है वो सेट हो गया है, तस्वीर पूरी पूरी फिट आ गई है। तो यही काम और यही चीज़ जो है आपने अपने पेज, हर पेज पर लेनी है, मतलब गैलरी पेज पे, अबाउट पेज पे, कॉन्टेक्ट पे और रजिस्टर पे भी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो कोड अभी लिखा है इमेज का वो कॉपी कर लेना है और फाइलें खोल जाना है और उन पे बंद करते हैं। इमेजेस वेबसाइट इंडेक्स पे हो गया है, चलो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। रजिस्टर वाला फाइल खोला मैंने और यहाँ पे आ गए हम बैनर वाले, हमने यहाँ पे पेस्ट किया और सेव कर दिया और इसको कर दिया बंद। इंडेक्स में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रजिस्टर वाले फाइल में आए हम, ये बैनर सेव कर दिया और इसको कर दिया कॉन्टैक्ट वाले पेज पे आ गए।
तो जनाब ये काम हमारा हो गया है डन। अब देखते हैं हमारी फाइल में क्या क्या हो चुका है। ये हमारा होम पेज है, गैलरी पेज इस पर भी लग गया है, हमारा अबाउट पेज पे भी आ गया है, कॉन्टेक्ट पे भी आ गया है और रजिस्टर पे भी आ गया है। अभी आ जाते हैं अपने मेन्यू की तरफ। मेन्यू को जो है वो थोड़ा सा कलरफुल बनाते हैं, इसमें कलर ऐड करते हैं। तो हमारी ये फाइल ये वाली इसके बिल्कुल नीचे जो है यहाँ पे हम लगा देते हैं बी जी कलर इज इक्वल टू जो कलर आपको पसंद आए तो वो लगा दीजिएगा। मैं इसको कर रहा हूँ लेट्स से ऑरेंज। देखते हैं क्या हुआ है वहाँ पे। मैच नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे हमारा ब्लू टाइप और ब्लैक टाइप है और यहाँ पे हमारा भी ब्लू टाइप और ऑरेंज टाइप है। तो हमें कुछ ब्लू टाइप जो है वो कलर जो है वो सेट करना पड़ेगा। लाइट स्काई ब्लू करके देखते हैं, लाइट स्काई ब्लू, लाइट स्काई सेव किया। मैं इसको दे रहा हूँ टील, एक कलर का नाम होता है टील, याद तो मुझे भी नहीं किस तरह का होता है, देख लेते हैं कैसा कलर होता है टील। अच्छा ये थोड़ा सा इसे सही है। और एक कलर होता है सियान, सियान सियान सेव। और ये भी चेक कर लेते हैं किस तरह कलर आ रहा है। चलो ये मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है। और पीरू पी कलर होता है पीरू शायद स्पेलिंग। देखते हैं ये कलर कुछ किस तरह का नजर आता है। ऑरेंज टाइप का ही कलर लेकिन ठीक है। और सुबह हम कौन सा कलर हमें सही लगा था, टैन, ये देखते हैं कलर कौन सा है। सेव किया नहीं है, ब्लैक कर दिया इसमें। ऐसे कोई कलर था जरूर, मुझे थोड़ा थोड़ा याद पड़ रहा है। ये कुछ कलर मुझे बेटर लग रहा है लेकिन बस बार जो भी आपको कलर अच्छा लगे आप करते आना, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ और इसके अंदर जो है वो हम कर देंगे पीरू इसके होम वाले। और इससे पहले आप एक काम और कीजिएगा, ये जो हमारे इनको बोल्ड कर दीजिएगा, ये हमारे मेन्यू के जो नाम हैं इनको बोल्ड कर देंगे तो कुछ ज़्यादा वाजह नज़र आएंगे, जल्दी जल्दी हम काम कर लें वरना वीडियो की साइज जो है ये कुछ निकल के आ रहे हैं। तो ये सब में कर लेते हैं हम
ये हमारा हो गया है काम डन। और अगर आप चाहें तो प्रीव्यू भी करके देख लेते हैं, थोड़ा सा निकल के आ गया। अगर आप चाहें तो इसके अंदर वालों को, ये अंदर वाले जो है कॉर्नर को, इसको भी जो है वो कलर कर सकते हैं। तो कर ही देते हैं, लेट्स सी। अगर मैं इसको दूँ कलर सी, देखते हैं सियान कैसा लगता है यहाँ पे। जी कैसा रहेगा, बात जम नहीं रही। ठीक है, बार आपको जो कलर अच्छे लगे, मैं इसको येलो देख के जो है जांच पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि येलो यहाँ पे कैसा लगेगा, लेकिन बस मैं येलो करके छोड़ रहा हूँ इसको। ये हो गया कॉपी, ये हो गया पेस्ट, ये हो गया पेस्ट, ये हो गया पेस्ट, ये हो गया पेस्ट, सारे पे आ गया, सॉरी सारे मेन्यूज पे आ गए हैं। ठीक है, और आपने अब से सब पेज पे करना है, क्योंकि गैलरी पे अभी नहीं हुआ होगा, बाकी किसी में कुछ नहीं हुआ। तो अब इसके लिए आपको बस करना क्या है, इंडेक्स वाली फाइल पे जाना है। और ये फाइल कहाँ से उठाएं, तो ये टेबल पूरी पूरी उठा रहती है, टेबल पूरी पूरी उठाई कॉपी की। तो ये जो है रजिस्टर वाली फाइल खोल ली, और ये वाले मैंने वाले टेबल पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक पेस्ट चेंज हो गई, सेव कर दिया, बंद किया इसको, गैलरी पे आ गया। ये टेबल मैंने वाली यहाँ से यहाँ तक पेस्ट किया, सेव, ये भी हो गया। कॉन्टैक्ट वाला ये भी कर लेते हैं जल्दी से, टेबल और ये वाली फाइल है ये सेव। आपने चेक करते आने, मुझे बस अज्यूम कर रहा हूँ कि इस काम से ही हो रहा होगा, और उस हिसाब से जो है मैं बस करते आ रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो का लेंथ का इशू है, सेव, ये कर दिया बंद। और यहाँ से करते हैं रिफ्रेश, सब पे आ गया है, क्योंकि ये होम गैलरी अबाउट कॉन्टैक्ट रजिस्टर्स, देखिए जी फर्स्ट क्लास सब पे आ गया है। अब करते हैं इस पर कुछ काम, इसको लगाते हैं कलर। और हमारे पास ये वाला कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ यहाँ पे, इनको सबसे पहले तो आपका देने बोल्ड बी, और जिसको भी कर दिया मैंने बोल्ड। और ये जो है टेक्स्ट मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, इस टेक्स्ट को जो है वो बढ़ा देते हैं किसी तरीके से, बढ़ाना भी क्या लिखना है, कुछ भी लिखे आप। मैं इसको जस्ट क्या कर रहा हूँ, पेस्ट, एक दफ़ा और पेस्ट कर दिया मैंने, बस ये हो गया मेरा डबल। और इसके अंदर मैं लगा देता हूँ एक मार्की टेप, मार्की, जिससे हमारा जो है टेक्स्ट वो जो है मूव करेगा। ये मार्की टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया, सेव किया,
और यहाँ चल के देखते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पे हमारा पेज ये चलना शुरू हो गया और मार्की का स्कोर अमाउंट इक्वल टू क्या ठीक है ऑन माउस ओवर। हम चाहते हैं कि जब उसके ऊपर माउस आए तो वो स्टॉप कर जाए। इक्वल टू स्टॉप के मार्की के ऊपर अगर कोई माउस लेके जाए तो हमारा मार्की जो है वो स्टॉप हो जाए। स्टार्ट और जब जैसे ही उससे माउस हटे और फिर से वो चलना शुरू करते हैं। देखिए रुक गया, जैसे माउस पर पीछे किया अब इसको कलर कर देते हैं। कलर करने के बाद कलर कहाँ पे करें, पहले इस वाले को कलर करें। वीजी कलर इज इक्वल टू सिल्वर। का भी डिटेल एक तो उसका हो गया और इसको दे देते हैं इक्वल टू ग्रे इसको करें और ये इसको करें शायद फिर ज़्यादा बेटर लगेगा। उल्टा कर देते हैं इसको करते हैं क्या ग्रे इसको करते हैं सिल्वर। कलर स्कीम जैसी आपको पसंद आए वैसे कर लीजिएगा, मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। ये काम आपने खुद से कर लेना है वो ये कि यही वाला जो कोड है वो पूरा का पूरा जो है आप लोगों ने हर पेज के अंदर कॉपी कर लेना। मतलब कहने का कि वो आपने अबाउट पेज के अंदर कॉन्टैक्ट पेज में गैलरी में और सब के अंदर कॉपी कर लेना। आपने करना क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है ये वाला टेबल पूरा ये वाला टेबल यहाँ से लेकर यहाँ तक हर उसके अंदर कॉपी कर देना है। मैं देखूँ टाइम काफ़ी हो गया है तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और उम्मीद करता हूँ कि ये वाला काम आप करके रखेंगे। हम अगला काम जो है वो फिर से शुरू करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट किया करें और प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।